मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा, चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। यह लड़ाई है सिस्टम के खिलाफ, यह लड़ाई है दूषित मानसिकता के खिलाफ, यह लड़ाई है समाज के उन बिगड़ैल रही जातों के खिलाफ जो शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करते हैं और फिर युवती को समाज में अपमानित होने के लिए छोड़ देते हैं। यह लड़ाई है समाज के उन ठेकेदारों के खिलाफ जिन्हें सिक्कों की खनक के आगे एक बेबस युवती की गुहार सुनाई नहीं देती, उसकी सिसकियां सुनाई नहीं देती। ऐसी ही एक पीड़िता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में गुहार लगाई। कार्रवाई आज ही निर्देश दिए हुए, लेकिन अफसरशाही के आगे नतीजा वही। डाके तीन बात, अदालती प्रक्रिया कुछ ऐसी कि वहां मिली तो सिर्फ डेट, डेट और सिर्फ ऐसी डेट जो आज तलक जारी है। थानेदार को 100 फोन किए, पुलिस क्षेत्र अधिकारी को 50 से ज्यादा, लेकिन मोबाइल का दिल नहीं पसीजा। वह कुछ देर घनघनाया और फिर आवाज आई, द पर्सन यू आर कॉलिंग नॉट आंसरिंग, प्लीज कॉल लेटर। हताशा से भरी यह पहाड़ से जिंदगी अनिश्चितता के सागर में डुबकिया लगा रही है। परेशान होकर अब उसने जिलाधिकारी मेरठ से जिला न्यायालय परिसर में आत्मदाह करने यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। आपको याद होगा 16 अगस्त का वह दिन जब शारीरिक शोषण के कुछ ऐसे ही मामले में एक युवती ने सोशल मीडिया पर लाइव आते हुए आत्मदाह कर लिया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इससे सिस्टम को समय सहमा और सुपेश में पड़ा भी, लेकिन फिर से वही हालात, वही एक बार फिर से दोहराती वही कहानी। अब बात यूपी के मेरठ की। अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दम भरने वाली यूपी पुलिस और कोई मामला होता तो कार्रवाई कर चुकी होती, लेकिन मामला प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी की नेत्री से जुड़ा होना ही इस युवती के लिए किसी न किसी रूप में परेशानी का सबब बन गया है। पीड़ित युवती के लंबे अरसे तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोप में घिरे हैं मित्तल रबर फैक्ट्री संचालक अजय मित्तल का पुत्र अरुणी मित्तल। यह उन दिनों की बात है जब दोनों साथ पढ़ते थे। दोनों बड़े होते चले गए तो अरुणी ने पिता की फैक्ट्री को संभालना शुरू कर दिया और युवती छात्र राजनीति में उतर आई। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन 14 मार्च 2021 तक सब कुछ बदल चुका था। अरुणी की मुरादाबाद में सगाई चल रही थी, युवती से रहा और सहा नहीं गया तो वह वहाँ पहुँच गई। वह इस जिद पर अरिधि की शादी का झांसा देकर वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा और अब वह किसी और से सगाई कर रहा है। विवाद बढ़ा तो उसकी तरफ से न्यू मोहनपुरी निवासी अरुणी मित्तल, अजय मित्तल, हेमलता व रश्मि मित्तल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। मुरादाबाद में ही अरुणी की माता हेमलता मित्तल की तरफ से यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि युवती उसके बेटे के पीछे पड़ी हुई है, उसने सगाई में व्यवधान पैदा किया। मामला चूंकि मेरठ से जुड़ा था लिहाजा इसे मेरठ के सिविल लाइन थाने स्थानांतरित कर दिया गया। चारों आरोपियों ने अग्रिम जमानत व अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली। अब तमाम कानूनी पेचीदगियों के बीच यह मामला डेट पर डेट की प्रक्रिया के बीच पेंडुलम बना झूल रहा है। आरोपी पक्ष गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि वे क्लीन हैंड नहीं आए हैं। अब पीड़ित युवती ने चारों तरफ से हताश होकर डीएम को एक पत्र लिखकर अपनी निराशा जता दी है। उसे शारीरिक शोषण समेत अन्य तमाम गंभीर धाराओं में अरुणी मित्तल आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए 3 माह हो गए। इस बीच हाईकोर्ट में भी आरोपितों की जमानत व गिरफ्तारी से बचने संबंधी रिट निरस्त हो चुकी है। पीड़िता का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं, लेकिन उसका स्वाभिमान सम्मान थानाध्यक्ष सिविल लाइन ने अभियुक्तों से मिलकर खत्म कर दिया है। तमाम साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने से बच रही है। वह भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी है, ऐसे उसके समक्ष आत्मदाह करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है, लिहाजा उसे जिला न्यायालय मेरठ परिसर में आत्मदाह की अनुमति दी जाए। इस पत्र का असर यह हुआ कि डीएम ने सिविल लाइन थाना पुलिस को अलर्ट दिया। पुलिस ने
आनन फानन में अरुणी मित्तल की आरोपित बहन रश्मि मित्तल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने संपूर्ण मामले में संलिप्तता पाते हुए रश्मि को जेल भेजने के निर्देश पारित कर दिए। शादी का झांसा देकर लंबे अरसे तक अपना शोषण कराने वाली युवती का कहना है कि अब लड़ाई सिर्फ मान सम्मान व पुरुष की उस मानसिकता के खिलाफ है जो लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु समझते हैं। दबाव में लेने के लिए धमकियां दी जा रही है, पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है, रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब अपने मान सम्मान के लिए वह इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा कर देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्क। नमस्कार।